हमारे मेघनाथ गौतम जी जो मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने एक बहुत शानदार से शुरुआत की। हमने तंदूरी रोटी सुनी थी लेकिन तंदूरी चाय कितनी खूबसूरत होगी, मैंने पिया भी है, बहुत ही अच्छी है। तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने जो शुरुआत की है, जो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है इस रेस्टोरेंट की तंदूरी टी की, तो ये खूबसूरत चाय बनाएं और सबको मीठी मीठी चाय पिलाएं और जितने भी ग्राहक आएँ वो खुशी खुशी इसको पिएँ और इन्जॉय करें, बहुत आनंद करें और इनका रेस्टोरेंट दिनों दिन इसी तरह चलता जाए। नहीं नहीं, मैं पहली बार पी रहा हूँ, मैंने सुना भी नहीं था। मैंने बताया ना कि तंदूरी रोटी हमने खाई थी लेकिन जब तंदूरी चाय के बारे में इन्होंने कहा तो मुझे लगा कैसी होगी, किस तरह से होगी। मैंने बनते हुए मुझे देखना है अभी इसके बाद कि किस तरह से बनती है, देखना भी है, पीना भी है। हाँ, इसलिए मैं मुझे खुशी हो रही है कि मेरे यहाँ से हैं और मैं इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने के लिए आया हूँ, मुझे इन्होंने बुलाया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि मुंबई में पहली बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था और तमाम स्टार फिल्म कलाकार आए हुए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा कि मुंबई में हमारे अपने भी हैं जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उसी के बदौलत आज गौतम जी ने भी मुझे याद किया और इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने के लिए मुझे बुलाया। हम मध्य प्रदेश से आए हैं तो हम सबके लिए कहना चाहेंगे, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। हम प्यार का तोहफा ही ला सकते हैं हम कलाकार। फिलहाल तो मैं प्रकाश जी को और सर दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और मैं चाहूँगी कि जितने खुशी के साथ सर ने इसको इसकी मतलब ओपनिंग करी है उतनी ही वो प्रगति करें, और एक एक अभी हुआ है, अभी कुछ और प्लान भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आगे जाके वो पूरा कर पाएँ, बस दिल से दुआ ही कर सकती हूँ। और ख़ासकर हाँ, मैंने आधी अधूरी अभी पी है, कंप्लीट पीना बाकी है क्योंकि वहाँ पर सर ने बताया कि अभी वो थोड़ा सा गर्म होगा, इसके बाद बनेगा, देखते हैं क्या होता है, सुना है अब पी के बताएंगे। ये हमारा मुंबई में नया वेंचर है और एक नया कंसेप्ट है। आज के तारीख में लोगों को कुछ चेंजेस चाहिए, जो हम नया चेंजेस देना चाहते, लेकिन क्या है, हम मिट्टी से ही पैदे हुए लोग हैं, हम मानव जाति जो है मिट्टी से पैदा हुए लोग हैं, और हमारा कंसेप्ट कैसा है, चाय बनने के बाद कुल्हड़ में जो कुल्हड़ पकता है तंदूर चाय, उसमें पका के और लोगों को मिट्टी की टेस्ट मिले और लोग चाय के साथ उसकी खुशबू ले, जिसमें एक हाइजीनिक रहेगा और कोई एलर्जनिक और कोई ऐसा निगेटिविटी नहीं रहेगा और लोगों को एक अच्छा स्वाद मिलेगा, वो सुबह शाम दोपहर कभी भी पिए उनको एनर्जेटिक आएगा। और हम लोगों को कुछ चेंजेस और कुछ नया चीज़ हम देना चाहते हैं, उसके लिए हमने चूज किया और ये मुंबई में ये हमारा पहला वेंचर है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम जल्दी से जल्दी और भी जगह पे और लोगों की हम सेवा कर सके, वही हमारा उद्देश्य है। और उस इसके लिए तो मैं आपको बोला, ये हमारा जो है नया कंसेप्ट है और नया वेंचर है और लोगों को कुछ नया अनुभव मिलेगा और नया चीज़ दे रहे, तो लोगों में ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ इधर जो है ना ये चीज़ मिलता है, एक फेमस हो, और उसके नाम से हम लोगों ने तंदूरी टी रखा। और एक हम कड़क टी है, ये कड़क टी है, ये कैसा रहेगा, ये हीटर है, हीटर के ऊपर तवा रहेगा, तवा के ऊपर फिर बालू रहेगा, उससे पकेगा ये, जिसके नाम कड़क टी है। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक हिसाब से हीटर से पकेगा, जो पहले पहले के ज़माने में जो थे ना, जो लोग जब भी आदिवासी था, ह्यूमन जब भी डेवलप नहीं हुआ था, तो वो टाइम में क्या करते थे, पत्थर में आग लगा के वो लोग खाना बना के खाते थे, तो वो जो है 100 साल 200 साल तक जीते थे, क्योंकि उसमें क्या था, कोई भी पॉइजनस एलर्जेटिक और ये चीज़ नहीं था।
तो उनको एक शक्ति मिलता था, पावर मिलता था। हमारा भी उद्देश्य वही है कि लोगों को एक नया कंसेप्ट मिले, और जो आज से 100-200 साल पहले जो हमारे पिताजी, दादाजी और दादाजी जो वो खाते थे, वो चीज़ हमको नया कंसेप्ट मिले, हमारा कहना उतना ही है। और हमारा प्रोजेक्ट जो है, अभी हम एक जगह, दो जगह लॉन्च करेंगे, तीन जगह लॉन्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे, हमारा कंसेप्ट वही कहना है। जी, अभी हम लोग एक स्नैक्स कर रहे हैं, अभी तंदूरी टी है, करक टी है, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, उसके बाद जो नॉर्मल साउथ इंडियन और परोठा और सैंडविच, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कर रहे हैं, स्नैक्स जो चाय के साथ में जो लोगों को मज़ा आता है खाने में, और जो जिनको भूख लग रहा है, चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम में हो, या दिन में लंच के टाइम में हो, या इवनिंग में इवनिंग स्नैक्स हो, या शाम को खाना के साथ भी हो, तो हम उनके लिए मसाला डोसा, प्लेन डोसा, उत्तपम, इडली, मेदू बड़ा और क्रंची परोठा, ये जो कंसेप्ट जो है ना, हम उनके सामने में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो दूसरे जगह पे, आम जगह पे नहीं मिलता है, और शायद मुंबई में तो शायद एक दो जगह ही मिलता है तंदूरी चाय। तो ये एरिया में जो है, हम लोग अभी नया कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी जी, ये वैसे मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं वैसे, और मेरे दोस्त भी है, कलीग भी है, और एक भोजपुरी फिल्म के हीरो भी है और सिंगर भी है। तो इनके हाथ से ओपनिंग कराने का मतलब क्या है, जैसे ये बहुत जल्दी फेमस हो गए थे मधुर के नाम से, तो ऐसे ही हम भी बहुत जल्दी फेमस हो जाए बोल के हमारा उद्देश्य वही है, और उनका आशीर्वाद जो है ना हमको चाहिए बोल के यही उद्देश्य से हमने उनको बुलाया। ओके, और अपनी मिठास यहाँ मिला दे इसलिए बुलाया था कि चाय की मिठास के साथ साथ मधुर का भी आ जाए, मधुरता बनी रहे उसके लिए, लोग बार बार आके पीते हैं, इसके लिए उनका नाम मधुर है, और हमारे चाय में भी वही मधुरता बनी रहे, हमारा उद्देश्य भी वही है।